चीजें बताऊंगी जिसमें आप लोगों को आलेख अच्छे से समझ में आ जाए। आलेख के लिए क्या है, हम दो चरों के जब रैखिक समीकरण होते हैं, दो समीकरण होते हैं, उसके लिए हम आलेख से हल ढूंढते हैं। दो समीकरण के लिए दो रेखाएं बनती हैं, तो रेखाएं किस तरह की, जैसे हमारी ये रेखा बनी इस तरह से, ये दो रेखाएं बनी, तो ये होता है कटाव बिंदु या प्रतिच्छेद बिंदु। तो जब दोनों समीकरण की रेखाएं, जब दोनों समीकरण की रेखाएं किसी बिंदु पर काटती हैं, तो उस समीकरण का हल अद्वितीय होता है। अद्वितीय हल, इसे हम क्या लिखेंगे, अद्वितीय हल। अद्वितीय का मतलब होता है केवल एक ही हल, अद्वितीय मतलब कोई भी दूसरा नहीं, केवल एक हल। तो जब दोनों समीकरण की रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटती हैं, तो उसे अद्वितीय हल कहते हैं। और इस वजह से ए बिंदु पर काटे, ये बिंदु है 4 और 5, मान लीजिए 4 और 5, तो इसका हल क्या होगा, x का मान 4 और y का मान 5। तो इस तरह हम हल लिखेंगे x का मान 4 और y का मान 5। मैंने ऐसे ही बताया है, सॉल्व भी किया हुआ है। तो इस तरह से हम इससे जब अद्वितीय हल मिलता है, तो हमारे पास एक आंसर आता है। इसी तरह आप दूसरा देखें, जब इस पर इस तरह से दो समीकरण से दो समांतर रेखाएं प्राप्त होती है, कैसी रेखाएं, दो समांतर रेखाएं, ये रेखाएं एक भी तरह से एक दूसरे को टच नहीं कर रही, तो इस समीकरण का क्या हल होगा, इस समीकरण का कोई भी हल नहीं, इसे क्या कहेंगे हम, कोई भी हल नहीं, इसका कोई हल नहीं होगा, यह अद्वितीय हल नहीं है। मतलब ये रेखाएं दूर दूर है, कहीं पर भी एक दूसरे को टच नहीं कर रही है, तो ये कोई भी हल नहीं होगा इसका। थर्ड, तीन ही पोजीशन है इसकी, फर्स्ट जब दोनों रेखाएं काटती है, जब दोनों रेखाएं नहीं काटती समांतर होती है। तीसरा है जब एक ही रेखा, दोनों रेखा एक दूसरे के ऊपर होती है, मतलब यही दोनों रेखा एक दूसरे के ऊपर होती है, मतलब आलेख में सिर्फ एक ही रेखा दिखती है, मतलब सभी बिंदु टच कर रहे हैं, सभी बिंदु दोनों रेखाओं के टच कर रहे हैं, तो इसके अनंत हल होते हैं, अनेक हल भी कहते हैं इसे, अनेक हल, इसके अनेक हल है, और इसके सारे वही हल होंगे जिस जिस बिंदु पर ये टच कर रहा है, सारे हल होंगे। ठीक है, अब मैं प्रश्नावली 1 शुरू करती हूँ। प्रश्नावली 1 में सबसे पहला क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों को समीकरण के रूप में लिखिए। हम समीकरण बनाना सीखेंगे, सभी को समीकरण बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो ध्यान से देखिएगा और ठीक से समझिएगा। समीकरण बनाना सीखेंगे। एक विद्यालय के क्रिकेट कोच ने 3 बल्ले और 6 गेंदें 3,900 रुपए में खरीदी। वहीं से उन्होंने 1 बल्ला 2 गेंद 1,300 रुपए में खरीदी। कुछ नहीं करना है हमको इसमें, सिर्फ बल्ला और गेंद को हमको एक मान लेना है। तो माना कि एक बल्ले का मूल्य 100 रुपए है तथा एक गेंद का मूल्य y रुपए है। अब हम समीकरण बताएंगे, क्या बोल रहे हैं, तीन बल्ले कितने के आएंगे, 1 बल्ला x रुपए का है, तो 3 बल्ले 3x का हो जाएगा, 3x, और 6 गेंद 1 गेंद y रुपए की, तो 6 गेंद कितने की होगी, 6y धन 6y, तो 3x धन 6y बराबर, तो तीनों 3 बल्ले और 6 गेंद 3,900 रुपए में खरीदना है, तो 3,900। दूसरा, 1 बल्ला और 2 गेंद, 1 बल्ला मतलब x, 1x नहीं लिखते हम, x धन 2 गेंद मतलब 2y बराबर का 1,300 रुपए में खरीदता है, 1,300। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। समीकरणों का हल करना हम आगे चैप्टर में सिखाएंगे, अभी फिलहाल आपको समीकरण बनाने पूछा गया है, ये आपके दो समीकरण बन गए। सेकेंड, अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। दो संख्याओं का योग 16 तथा उनका अंतर 8 है। तो माना कि एक संख्या, हमको जो भी पूछना है हमको वही मानना है, माना कि एक संख्या
चार किलोग्राम से और एक किलोग्राम से और एक्स का है तो चार किलोग्राम चार एक्स का, और एक किलोग्राम अंगूर वाई रूप में है तो दो किलोग्राम दो वाई का, तो ये हो गया 300। ठीक है, ये समीकरण बन गए हमारे दो। नेक्स्ट करते हैं चौथा क्वेश्चन। आयु वाले क्वेश्चन है, आयु वाले क्वेश्चन ध्यान से देखिए, आते हैं आयु वाले क्वेश्चन। नरेश ने अपनी पुत्री से कहा कि 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी और अब 3 साल बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी है। आयु वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हमको वर्तमान आयु लिखनी होती है, तो माना कि नरेश की वर्तमान आयु 7 साल पहले नरेश की आयु कितनी हो गई, एक्स ऋण 7। 7 साल पहले, 7 साल पहले मतलब 7 साल कम होगी आयु, एक्स ऋण 7 और पुत्री की आयु है वाई ऋण 7, अभी की आयु से 7 वर्ष कम। अभी ये समीकरण नहीं बनाना है, इसे बनाएंगे। नरेश ने कहा कि मेरी आयु तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी, तो नरेश की आयु पुत्री की आयु से 7 गुनी, 7 गुनी, गुनी मतलब गुणा, तो गुणा 7, क्या लिखेंगे हम, गुणा 7। बस ये हमारा हो गया समीकरण, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। एक्स ऋण 7 बराबर 7y, इसका गुणा एक्स में और इसी का गुणा उसमें, जब ब्रैकेट होता है कोष्टक होता है, कोष्टक के बाहर कोई संख्या गुणा में है तो कोष्टक के बाहर की संख्या का दोनों संख्याओं में अंदर गुणा होता है, 7y ऋण 7 × 49। इसको और सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा, एक्स ये 7y इधर पक्षांतर हो जाएगा, ऋण 7y बराबर 7y इधर हो गया, और क्योंकि हमको समीकरण में एक ही तरफ x और y चाहिए होता है, ये ऋण 7 को हम इधर पक्षांतर करेंगे तो ऋण 49 पहले से है धन 7, तो x ऋण 7y बराबर 49 में से 7 घटाएंगे, एक धन एक ऋण घटता है और चिन्ह बड़ी संख्या के सामने का, एक धन और एक ऋण हमेशा घटाया जाता है, चिन्ह बड़ी संख्या के सामने का, तो क्या हो जाएगा 49 × 7 = 42। ठीक है, ये हो गया समीकरण एक। अभी समीकरण दो क्या बताएंगे, अब से 3 साल बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी हो जाएगी, 3 साल बाद, 3 साल बाद क्या होगा, नरेश की आयु मतलब एक्स धन 3 बराबर पुत्री की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, तो 3 गुनी पुत्री की आयु कितनी हो गई, वाई धन 3। 3 साल बाद हम आयु में 3, वर्तमान आयु में 3 जोड़ देंगे और ये 3 गुनी हो गई। अब इसे हम फिर हल करेंगे, क्या आ जाएगा, एक्स धन 3 बराबर 3y धन 3, फिर का 9, और इसका हल होगा, समीकरण बनेगा एक्स ऋण 3y बराबर 9 और 3 इधर आकर पक्षांतर, ऋण 3 हो जाएगा तो आएगा 6। ये समीकरण दो, एक्स ऋण 3y बराबर पहला समीकरण बना, एक्स ऋण 7y बराबर 42, दूसरा समीकरण बना एक्स ऋण 3y बराबर 6। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, एक व्यक्ति घर से तारे
टैक्सी से तय की गई दूरी क्या होगी, और टैक्सी से तय की गई दूरी y किलोमीटर है। तब क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति घर से कार्यालय तक जाने के लिए 90 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो एक समीकरण तो हमारा बनेगा x धन y बराबर 90, मतलब टैक्सी से और ट्रेन से गया तो 90 किलोमीटर चला, ये समीकरण एक हो गया। दूसरा समीकरण बनेगा, व्यक्ति द्वारा टैक्सी से तय की गई दूरी ट्रेन से तय की गई दूरी की दोगुनी थी। टैक्सी से तय की गई दूरी मतलब वाई बराबर ट्रेन से तय की गई दूरी एक्स, तो दो एक्स, ये हमारा दूसरा समीकरण वाई बराबर दो एक्स, ये समीकरण तो कंप्लीट। अब हम ये आरेख वाले क्वेश्चन बताएंगे, तीन आरेख के क्वेश्चन है, क्वेश्चन दो का अ। अभी मैंने इसके पहले आप लोगों को आलेख समझाया, अभी देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। आलेख में दोनों समीकरण एक दूसरे को काट रहे हैं, यदि प्रतिच्छेद करते हैं तो समीकरण का हल कैसा होगा, अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। तो समीकरण लिख देती हूँ मैंने, क्या है, 3x धन 2y ऋण 12 बराबर 0 और x ऋण y धन 1 बराबर 0, तो इसका हल कैसा है, अद्वितीय हल है। क्यों है, क्योंकि यह एक बिंदु पर आलेख की दोनों रेखाएं काट रही हैं, दोनों रेखाएं एक बिंदु पर काट रही हैं, और किस बिंदु पर, 2 और 3, और x और y के मान क्या होते हैं, x बराबर 2 और y बराबर 3, x बराबर 2 y बराबर 3। दूसरा है बा, देखिए बा में हमको एक ही रेखा मिल रही है, आप बुक में देखिए आगे आलेख में बा में केवल एक ही रेखा मिल रही है, मतलब एक रेखा इसी के साथ है, दोनों रेखाएं समान है। क्या क्वेश्चन है, 3x धन 6y बराबर 15 और x धन 2y बराबर 5, तो ये कैसा हल है, अंततः आलेख हल, इसे हम कहेंगे अंततः आलेख हल। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो रेखा है हर जगह से, बहुत सारी जगह से क्या, पूरी जगह से दूसरी रेखा को टच कर रही है, मतलब हर रेखा से टच कर रही, तो बहुत सारे हल होंगे, तो इसका हल एक्स और वाई के बहुत सारे मान होंगे, जैसे इसमें दिया हुआ है एक्स का मान 1, 3 और 5 हो सकता है, 1, 3, 5 और भी ढेर सारे, और वाई का मान 2, 1 और 0, 2, 1 और 0 और भी ढेर सारे हो सकते हैं। ठीक है, सारे देखेंगे, दादे